rahmanir Rahim dear students Assalamualaikum. hope you all are fine with good health. Today I'm going to teach you chapter number six topic Geography from your social studies book. Firstly students, uh, I divide this unit into two parts. In first part uh, we are going to discuss all the natural and physical features of the earth, now i am going to start the reading and explanation of the unit the surface of earth we live is made up of mountains plains deserts rivers forests oceans and many other things we need to study and understand feature of our earth to benefit from it and to sustain it साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द डाइवर्स फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जोग्रफी अच्छा बेटे सबसे पहले तो देखें इस चैप्टर में आप जोग्राफी में आपको जोग्राफी को एक्सप्लेन करती हूँ कि वॉट इज जोग्राफी ठीक है जियो मीन्स जोग्राफी आपके दो वर्ड से मिलकर बना है जियो मीन्स अर्थ एंड जोग्राफी मीन्स टू स्टडी ठीक है इट मीन्स जोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ आप जमीन के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हो वो सब आपका ज्योग्राफी में आता है ठीक है जी आपकी सरफेस आपकी अर्थ की जो है आपकी जमीन की सरफेस कैसी है आपकी आपके अर्थ पे माउंटेंस हैं कहीं पर प्लेन्स हैं कहीं पर डेजर्ट है कहीं पर आपके रिवर्स हैं कहीं पे आपके फॉरेस्ट हैं ठीक है थीके? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इस पूरी अर्थ में जो अल्लाह तला ने आपको ज़मीन जो अल्लाह ती ने बनाई है कायनात बनाई है इसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक है जी अब हमें ये है कि हमने जाहिर बात है हमने जो अर्थ जो हमें अल्लाह तला ने जमीन बनाई है हमारे लिए उसकी डिफरेंट फीचर्स हैं यानी कि वो देखने में कैसी है और इसके इस पे मौजूद जितने भी इसके फीचर्स हैं इन मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे आपको बेनिफिट करती हैं और फिर कैसे उसको जो है आप यूज़ करते हैं ठीक है जी तो साइंस की बेटे वो शाख जो आपकी ज़मीन जो आपकी अर्थ की तमाम किस्म की जो मुख्तलिफ अकसाम की जो इसकी सतही इसकी हयातियाती ठीक है, है? बायोलॉजिकल बाय मीनस बेटे हयाती आती मीन्स बायो मीन्स लाइफ को ही कहते हैं ना बायो लाइफ को कहते हैं तो इट मीनस कि इस पे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है चाहे वो ह्यूमंस हों बर्ड्स हों एनिमल्स हों ये सब ठीक तो है तो बायोलॉजिकल इसके फ़ीचर्स हो गए इसके कल्चरल फीचर्स हो गए मीन्स इसकी ाफ़ती कैसे फीचर्स हैं ठीक है हर किस्म के हर अर्थ में जो है हर जगह के अपने अपने डिफरेंट कल्चर फ़ीचर्स हैं तो ये जो इसके तमाम फिज़िकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फ़ीचर्स हैं आप इनकी पूरी वज़ाहत के बारे में पढ़ना और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसकी तकसीम हुई हुई है कहीं पर आपके डिफरेंट कहीं जो है डिफरेंट एरियाज कहीं पर आपके डेजर्ट्स हैं कहीं पर माउंटेंस हैं कहीं पर प्लेन्स हैं ठीक है और कहीं पर सीज़ हैं तो इनका फिर आपस में जो है इंटरेक्शन क्या है आपस में इनका ताल्लुक़ क्या है तो इस सब की जो पूरी आप इस ज़मीन की पूरी सरफेस के बारे में इसकी पूरी सतह के बारे में जो आप पढ़ते हैं उसे ज्योग्राफी कहते हैं ठीक है वो ज्योग्राफी में आ जाता है और द पीपल हु स्टडी ज्योग्राफी आर कॉल्ड ज्योग्राफर्स ठीक है जो आप फिर इस जोग्रफी को जो पढ़ते हैं जो वो सारे अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं उन्हें जोग्रफ़र्स कहते हैं when studying geography one learns about the different countries and people living on the beautiful planet, the earth, its climate, its natural resources and its oceans, rivers and mountains. ठीक है जी यानी किस पे मौजूद, इसका अर्थ का climate कैसा है, मौसम कैसा है, इसकी natural resources कौन से हैं इसके ओशंस कहाँ हैं रिवर्स कहाँ पर हैं माउंटेंस कितने तो इन सब के बारे में जो है एक डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के इनके बारे में जो है एक जोग जौग्र, एक जोग्राफ़र जो होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करता है किसी भी जगह का किसी भी एरिया के इन जोग्राफ़ी वी स्टडी बोथ द नेचुरल इन्वामेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ठीक है जोग्रफ़ी में आप दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं नेचुरल इन्वामेंट क्या है यानी कि कुदरती माहौल के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और इंसान की जो है वो मुख्तफ़ जगहों पर मख्तलिफ़ उसकी एक्टिविटीज़ क्या है आप इसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बेटे यानी कि आपकी पूरी दुनिया में ठीक है आपकी अर्थ पे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं ठीक है कॉन्टीनेंट्स बर्यासमों को कहते हैं द अर्थ इज़ अ थर्ड प्लान ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू डिस्टेंस ठीक है यानी कि आपको पता ना बेटे सोलर सिस्टम में आपके एट प्लानट्स हैं ठीक है जिसमें अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आता है सोलर सिस्टम का सेंटर कौन सा है सन है ना सन के अराउंड ही सारे के सब सब के सब प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो उसमें जो है वो थर्ड नंबर पे आपका अर्थ आता है इट रिवॉल्व अराउंड द सन और ये सब के सब जो है वो प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं इट इज शेप लाइक अ बॉल और इसकी शेप बिल्कुल एक बॉल जैसी है विच इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम और ये आप जो ज़मीन है हमारी ये टॉप और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैट है ठीक है थोड़ी सी फ्लैट है इनके कि मीन्स थोड़ी प्लेन है द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड मैसेज एंड वास्ट ओशंस ठीक है जमीन आपकी जो है जमीन पे कहीं पर पानी है कहीं पर लैंड है, है कहीं पर बहुत ज्यादा कि आपकी जो पूरी जमीन है और डिफरेंट ओशंस से और बड़े बड़े किस्म के बड़े बड़े जो है जो खुश्की खुश्की के जो टुकड़े हैं उन उन पर मुश्तमिल है लैंड मैसेज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट ठीक है जैसे जैसे कि बेटे आप ये पेज नंबर सिक्सटी एट पर जो आपके सामने आपको पिक्चर भी नजर आ रही है ये पूरी अर्थ की है ठीक है और इसकी शेप देखिए ना आप शेप अ बॉल ठीक है ये जो स्फेयर है अर्थ की शेप और बॉल टाइप की है और उसमें कॉन्टिनेंट आपके क्या है कॉन्टिनेंट बेसिकली बेसिकली आपके कहलाते हैं जो आपके लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस है जो आपकी खुशकी के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना जमीन पे वो आपके कॉन्टिनेंट कहलाते हैं देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट ठीक है जो आपके बेटे इस जो पूरा आपका अर्थ का मैप है उसमें अंडरलाइन भी हुए हुए आपके टोटल सेवन कॉन्टिनेंट है कौन कौन से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका ये तो, टोटल बेटा सेवन कॉन्टिनेंट्स है ठीक है जिनमें एशिया जो है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ ठीक है एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है नेक्स्ट बेटे ओशंस की बार आगे ओशंस द बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड ओशंस ठीक है यानी कि आपके जो पानी के बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े जो आपके एरिया हैं वो आपका ओशंस कहलाते हैं ठीक है जी आ, मतलब जहाँ पर आपका पूरा पानी ही पानी ही होता है ठीक है बहुत बहुत लैंड 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 मासज ऑफ वाटर आप कह सकते हैं ठीक है थीके? लैंड लैंड द बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड ओशंस दे आर फाइव ओशंस टोटल आपके जो ओशंस हैं बेटे आ, ये आपके फाइव हैं फाइव ओशंस हैं जिनमें फर्स्ट है पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन इंडियन ओशन साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन जो आपके बेटे ये आपके मैप में जो आ, अर्थ का मैप है उसमें आपको अंडरलाइन भी हुए हुए हैं जो कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं ठीक है तो ओशंस क्या हुए आपकी लार्ज वाटर बॉडीज होगी ऑन अर्थ ठीक है दे ये फिर आपके ओशंस कहलाएंगे यानी कि इस पूरे जो आप मैप आपके सामने है जिनमें आपको डिफरेंट जो चीजें अंडरलाइन हुई हैं इसमें आपके जो आपके खुशकी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना जो उन्हें बरेआज़म कहते हैं मीन्स उन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं ठीक है थीके? जो आपको दिखाए गए हैं जो सेवन है और उसके बाद जो आपके ओशंस हैं ओशंस पानी को कहते हैं ठीक है थीके? जो पानी जो बहुत ही लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें आप ओशंस कहते हैं जिनमें आपके वो ओशंस भी आपके फाइव किस्म के ठीक है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज द सर्फेस ऑफ अर्थ इज डिफरेंट Uh, at different places most of the continent have a variety of different types of landscapes there are hills high mountains plains forest valleys desert lakes rivers oceans and seas theek hai aapki earth jo hai अर्थ की सरफेस वो uh, different uh, है हर जगह डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है ठीक है और uh, जे uh, हर कॉन्टिनेंट में हर तकरीबन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो वेराइटी ऑफ लैंडस्केप है उसमें ठीक है लैंडस्केप मीन्स उसमें कहीं पर हिल्स हैं कहीं पे हाई माउंटेंस हैं कहीं पे प्लेन्स हैं कहीं पे फॉरेस्ट ज्यादा हैं ठीक है कहीं पे वैलीज हैं कहीं पे डेजर्ट्स हैं एंड लेक्स एंड रिवर्स हैं ठीक है पीपल लिविंग इन

Uh, किसी जगह पे जो मख्तल लोग रहते हैं, हैं जितने लोग रहते हैं वो फिर विलेजेस बिल्ड uh, करते हैं टाउन्स बनाते हैं बड़ी बड़ी हीज़ सिटीज़ हो जाती हैं ठीक है और स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जो uh, जहाँ पे जैसे बिल्डिंग्स आप उन्हें कह दें बिल्डिंग्स में जैसे लोग रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं तो ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें किसी भी एरिए की कि, किसी भी जगह की जो है उस पर लैंडस्केप पर असरानंदाज़ होती है उस पर इंफ्लुन्स करती है okay now moving on to next topic uh, that is globe there are many countries in the world occupying different geographical

उसमें आपने डिफरेंट कंट्रीज़ को शो करना है कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज कितने एरिया पे हैं वो किस जगह पे हैं किस एरिया में हैं तो उस जोग्रफल एरिया को जोग्रफ़िकल एरिया को शो करने के लिए आपको ग्लोब की ज़रूरत है मैप की ज़रूरत है जो ये शो करेंगे कि उनकी उनकी लोकेशन कहाँ पर है और उस उन कंट्रीज की फ़ीचर्स कहाँ हैं जिसके लिए ये ग्लोब यूज़ होता है ठीक है द वर्ल्ड ग्लोब इज़ टेकन अप Latin द globus which ग्लोबस a round mass मास sphere ठीक है ये जो जो ग्लोब है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है ग्लोबस जिसका मतलब क्या है एक राउंड मास ठीक है ग्लोब आपने देखा ना बेटे जैसे ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ग्लोब के बिल्कुल गोल सा एक बॉल टाइप की एक चीज़ होती है और जिसे आप ग्लोब कहते हैं जिसकी जिसकी शेप जो है वो राउंड होती है इनके स्वेयर होती है अ ग्लोब इज़ इन अ बॉल शेप विद ऑल द कंट्रीज एंड ओशंस ड्रॉन ऑन इट ठीक है जिसमें ग्लोब पर फिर सारे जितनी भी आपको आपको मैंने अभी बताया बेटा कि टू हंड्रेड कंट्रीज हैं उनको उस पर शो किया जाता है और जितने वहाँ पर जितने ओशंस हैं ये सब जो है उस ग्लोब के ऊपर बिल्कुल क्लियरली शो होते हैं इन अदर वर्ड्स अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ ठीक है आप सिंपली क्या कह सकते हैं ग्लोब क्या है कि वे एक मॉडल ऑफ अर्थ है अर्थ ये पूरी आपकी जो ज़मीन है पूरी अर्थ है इसका एक मॉडल है जिसे आप ग्लोब कहते हैं इट इलिस्ट्रेट द शेप ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट एक्यूरेटली बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो आपकी अर्थ की शेप को वो इलिस्ट्रेट कर रहा है एक ग्लोब बिल्कुल सही आपको वाजह हो जाएगा इट ऑल्सो शोज़ द करेक्ट पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन्स एंड हाउ लार्ज दे आर इन रिलेशन टू वन एन अदर ठीक है यानी कि वो बिल्कुल क्लियरली आपको उस ग्लोब में आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टिनेंट आपके कौन कौन से हैं कहाँ पर हैं जो आपको सेवन कॉन्टिनेंट बताए गए थे कि वो सेवन कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर है किस जगह पर है और ओशन्स जो हैं वो किस किस जगह पर है बिल्कुल और क्लियरली आपको डिफरेंस भी बताएगा कि ग्लोब पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट से बड़े हैं और ये कौन से ओशन्स ज़्यादा बड़े हैं और कौन से ओशन्स छोटे हैं ठीक है जी टू स्टडी द ग्लोब वी नीड टू अंडरस्टैंड अच्छा अब अगर आपने ग्लोब जो है जब आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए नंबर वन इज़ लॉन्गी ठीक है लॉन्गीट्यूड लॉन्गी आर इमेजनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स ठीक है आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो आपकी इमेजनरी लाइन एक ड्रॉ होती है उसे आप कहते हैं लॉन्गीट्यूड्स जो ग्लोब पे हुई हुई होती हैं द जीरो डिग्री इज कॉल द प्राइम मरीडियन ठीक है meridian, और जो उसका बिल्कुल सेंटर होता है जो उसका मिड होता है जहाँ पर जीरो डिग्री लॉन्गी होता है उसे आप कहते हैं प्राइम मेरेडियन इट इज़ एट इट इज एट ग्रीन विच नियर लंडन टू इंग्लैंड ठीक है जो कहाँ पर है जो जीरो डिग्री प्राइम प्राइमरी कहाँ बनता है जो लंदन में है यानी कि इंग्लैंड की सिटी लंदन के करीब है ग्रीन विच में ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज लेटिट्यूड लेटीट्यूड आर ऑल्सो इमेजनरी लाइन्स ड्रॉन फ्राम ईस्ट टू वेस्ट ठीक है जैसे कि आप बेटे इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि लेटीट्यूड आपकी सेम इमेजनरी लाइन्स होती हैं क्योंकि कोई ज़मीन पे कोई लाइन थोड़ी खिंची हुई थी है ठीक है तो एक है, इमेजनरी हैं जस्ट जस आप ने की हुई हैं इमेजनरी लाइंस है जो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ होती हैं और द ज़ीरो डिग्री लेटिट्यूड इज़ कॉल्ड इक्वेटर ठीक है और जहाँ आपका जीरो डिग्री होता है वो आपका इक्वेटर कहलाता है देखिए इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू टू हेमिसफेयर अच्छा इस फिर इक्वेटर का क्या मकसद होता है कि आपके इसको अर्थ को टू पार्ट्स में टू हेमिसफेयर में डिवाइड करता है दैट इज़ northern hemisphere and southern hemisphere next map map is the picture of some area of the earth it is simply a drawing showing physical feature of the earth on a flat surface The map on the globe can be projected and drawn on the flat sheet of a paper. अब map जो है globe तो आपको मैंने बताया बेटा simple आपकी round shape की एक चीज़ होती है model जिसमें आप कहेंगे ये earth का एक model है लेकिन map क्या होता है Map आपकी किसी भी flat चीज़ के ऊपर जब आप पूरी earth का जो है वो उनको draw करते हैं earth को draw करते हैं किसी भी फ्लैट चीज के ऊपर सिंपली ड्राइंग है ठीक है जो जिसमें आप उसकी फिजिकल फीचर्स को दिखा रहे हैं अर्थ के तो वो आपका मैप कहलाता वन ओके इसमें फर्स्टली बेटे मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ कि एनिक्स मेंडर, अ ग्रीक फिलोसफर मेट द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड ठीक है मैप जो दुनिया का सबसे पहला मैप एक ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने बनाया था ठीक है द मैप मेकर्स और कॉल्ड कार्टोग्राफर्स ठीक है जो मैप बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर्स कहते हैं अब बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एंड एटलिस यानी कि कोई अगर आपके पास बहुत सारे मैप्स की कोई बुक होगी तो उसको आप कहेंगे एटल्स ठीक है मैप्स आर यूज टू एंड मैप्स जो है वो डिफरेंट परपजेज के लिए यूज़ किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है नंबर वन टू फाइंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ठीक है अगर आपने किसी जगह की किसी जगह एरिए की आपने कोई लोकेशन एग्जैक्ट मालूम करनी है तो उसके लिए आप जो आपके पास मैप्स होंगे आपको बिल्कुल फ़ौर आपको उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी नंबर टू टू मैयर द लैंड फॉर्म्स ठीक है आपने अगर लैंड फॉर्म्स किसी कहीं के मैयर करने हैं तो उसके लिए आप सिंपल मैप देख सकते हैं फॉर डिफेंस परपजिज ठीक है यानी कि किसी कंट्री uh, के अगर बाउंड्रीज़ को आप देखेंगे उसके बाद उसके मैप को देख के आप मैप से जो उसके डिफेंट डिफेंस पर्पजेज़ के लिए ठीक है जैसे मुल्क की हिफाजत के लिए कोई करता है उसके मकसद के लिए आप मैप को यूज़ कर सकते हैं ठीक है फॉर टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग देखिए कहीं पर अगर कोई आ, किसी ने टूरिज्म करना है किसी ने कोई ट्रैवलिंग के लिए जाना है सफ़र के लिए जाना है कोई घूमने फिरने जाना है टूरिज्म के लिए जाना है तो आप कहीं कभी आप मैप लेंगे किसी भी एरिया का जहां आपने जाना है तो मैप से आप आसानी से उस जगह पहुंच जाएंगे फॉर हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव ठीक है एक तारीखी लिहाज से भी आपके लिए मैप जो है वो काम बहुत अहम किरदार अदा करता है यूज़ किया जाता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप पाकिस्तान का ही लें ले लें -ले मैप क्योंकि वो चेंज होता जा रहा है ना जैसे जैसे मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है और सब कुछ होता जा रहा है तो मैप भी जो है वो चेंज होता जा रहा है तो एक तो हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टि से भी आप मैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चरल एंड फाइनेंशियल मैटर्स ठीक है अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर अपनी ज़रात की कोई अमूर को देखना है अपने फाइनेंशियल कोई माली अमूर के लिए न, कुछ करना है तो उसके लिए भी आप ज़ाहिर बात है मैप ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आप, आप जो है किन किन एरियाज़ में आपके आ, जो है यहाँ यहाँ आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं ज़रात वाला एरिया है आपका और कहाँ किसके लिए अगर आप कोई बिलफर्स कोई प्रोजेक्ट यूज़ शुरू कर रहे हैं और तो उसके लिए आपने कितना आपको फाइनेंस चाहिए होगा फाइन तो उसके लिए भी आप मैप्स को यूज़ करेंगे नंबर सेवन फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ठीक है अगर आपने कोई जैसे अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है आपने उसकी प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी तो बेटे आपको मैप चाहिए होगा ठीक है जैसे गवर्नमेंट लेवल पर किया जाता है कि अगर आपने कोई बहुत किसी एरिया के लिए खास स्पेसिफिक एरिया के लिए आपने कोई प्लानिंग करनी है कोई वहाँ के लिए आपने मनसूबाबंदी है डेवलपमेंट के लिए है ठीक है तामीर करनी है तो उसके लिए फिर आप इन मैप्स को यूज़ करेंगे ठीक है जी बेटे ओके नाउ लोकेशन ऑन द अर्थ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रेट ओवर द ग्लोब और मैप दिस ग्रेट हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन लैंड और एट अस्सी ठीक है अब आपकी जहाँ आपकी जो अपने लेटिट्यूड्स आपकी जो आ, जो मैंने आप, आपको पहले एक्सप्ल किया कि लॉन्गी आपकी जैसे वर्टिकल लाइन्स होती हैं और लैटिट्यूड आपकी जैसे हॉर्जेंटल लाइन्स होती हैं ठीक है तो आपकी जब लॉन्गीटीट्यूड जहाँ आके मिलते हैं वो फिर आपकी ग्रिट जो है ना ग्रिड किसे कितने पॉइंट से शो करते हैं तो एंड लैटिट्यूड जो है वो ए, वो मिलके ग्रेड बनाते हैं जिस मैप के ऊपर ठीक है मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर भी फिर इन ग्रिड की वजह से इनकी ग्रिड की हेल्प से आप किसी भी एरिया की प्लेस किसी भी ए, एरिया की जगह जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं मीन आपको लोकेशन uh, पता चल जाती है ना कि ईस्ट साइड है वेस्ट है नॉर्थ है या साउथ है किस जगह पर है ठीक है तो वो आप uh, बहुत आसानी के साथ उन ग्रिड की वजह uh, से फाइंड आउट कर सकते ओके टर्न द नेक्स्ट पेज सेवेंटी टू मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ़ द रियल वर्ल्ड ठीक है जाहिर बता मैप जो है वो तो आपकी एक विजुअल है जिससे आप किसी भी एरिया और लैंड बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन साइज उसके पूरे साइज को तो आप नहीं दिखा सकते लेकिन आप जो बहुत स्मॉल ठीक है इट इज़ वेरी स्मॉल मतलब वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड जो आपकी हकीकी दुनिया में जो उसका साइज़ है या जो चीज़ है उसको आप बिल्कुल ही स्मॉल उसमें करके आपकी विजुअल उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है उस एरिया की उस जगह की द की एलिमेंट्स ऑन द ऑफ द मैप दैट द मैप रीडर्स आर ठीक है अच्छा अब आपकी किसी भी मैप की कुछ की एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? जो आपको बड़ी जगह जब आप Uh, कोई मैप देखेंगे तो आप आसानी से आप uh, उसके बारे में पता कर सकते हैं ठीक है उसके जो की एलिमेंट्स हैं नंबर वन उसमें टोटल सिक्स हैं टाइटल सिम्बल डायरेक्शन स्केल लेजेंड और की एंड बॉर्डर अच्छा नंबर वन टाइटल अब टाइटल क्या करता है टाइटल एक्सप्लेन्स द पर्पज ऑफ द मैप आपका टाइटल जो है किसी भी कोई भी आप मैप ले लेंगे किसी भी चीज़ का मैप होगा तो वो सबसे पहले उसका टाइटल ये आपको बताएगा कि भाई इसका पर्पस क्या है या किस बारे में है किस चीज़ के बारे में है ठीक है जब मैप का टाइटल ही नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि ये किस चीज़ का मैप है तो फर्स्टली आप उसके टाइटल से, आ, से आपको मालूम होगा कि ये मैप किस चीज़ का है ये किस पर्पस के लिए बनाया गया फॉर एग्जांपल जैसे वेदर मैप है पॉपुलेशन मैप है आपका फिजिकल मैप है रोड मैप है ये सब ठीक है इन अ मैप यू कैन नॉट शो डिटेल्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट और फीचर्स इन राइटिंग symbols are used. और यूज अब नंबर टू पर जो इसका की पॉइंट है मैप का वो सिम्बल है यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज किसी भी चीज़ की जो फीचर्स है उसकी पूरी पूरी जो है वो आप डिटेल तो नहीं बता सकते तो उसके लिए आप मैप में क्योंकि मैप तो छोटा सा होता है साइज में मैप में फिर आप तो डिफरेंट सिंबल यूज़ करेंगे जैसे कि बेटे ये पेज पे ये जो सामने पेज नंबर सेवेंटी टू पर आपके जो डिफरेंट सेम्बल्स दिए गए अब ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं ये मैप में यूज़ होते हैं जैसे आप ये रेलवे स्टेशन का देख रहे हैं फर्स्ट अब आप देखिए रेलवे स्टेशन तो बहुत सारी जगहों पर हैं तो जस्ट आपने ये लाइन लगाई और सर्कल सा जो रेड होगा पार्ट इस टाइप की जो पिक्चर होगी सिंबल जो होगा वो ये शो करेगा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है ठीक है नेक्स्ट देखिए मोटरवे है मेन रोड है टेलीफोन है जैसे टेलीफोन बना होगा तो ये शो करेगा कि यहाँ पर टेलीफोन है पार्किंग ठीक है जैसे पार्किंग यहाँ पर पार्किंग का एरिया है एच फॉर हॉस्पिटल होगा ठीक है तो ये सब के सब ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं ये बजाय ये पूरी इनकी डिटेल बताने के मैप में ये जस्ट सिंबल्स आपके यूज होंगे और आपका मैप में आप आसानी से जो है ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अच्छा तो नंबर थ्री पे जो उसका की पॉइंट है मैप का दैट इज डायरेक्शन डायरेक्शन आर बियरिंग दे आर एंगुलर डिटेंस दे आर फोर बेसिक कार्ड देर आर फोर बेसिक कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ठीक है डायरेक्शन क्या है आपके एक किस्म के जो एंगल्स uh, हैं जो आपके मतलब ठीक बिल्कुल सिमथ बता रहे होते हैं जाविया बता रहे होते हैं ठीक है टोटल चार आपको पता है कि जो आप पहली क्लास में भी पढ़ पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं बेटे कि देयर आर फोर डायरेक्शनज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एंड बेसिकली द वर्ड न्यूज़ जो है जो न्यूज़ जो आप हर वक्त सुनते हैं न्यूज़ ये इन्हीं जो फ़ोर डायरेक्शन है इन्हीं से इसी का एब्रीविएशन है ठीक है एंड फॉर न्यूज़ में एंड फॉर नॉर्थ ई फॉर ईस्ट डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ ठीक है ईस्ट एंड वेस्ट आर द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर वाइल नॉर्थ एंड साउथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर जैसे आप ये सामने जो आप डायरेक्शन की पिक्चर देख रहे हैं पे नंबर सेवेंटी थ्री पे कि आपकी चार डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरली ठीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ठीक है ये आपकी टोटल ये आपकी मेन फोर डायरेक्शन एंड देयर आर सिक्सटीन डायरेक्शन इन अ कम्पस्ट ठीक है अभी कम्पास में आपकी टोटल सिक्सटीन डायरेक्शन होती हैं ठीक है थीके? जैसे आपकी नॉर्थ से मैं स्टार्ट करती हूँ जैसे नॉर्थ के बाद ये जो एन एन ई है इट मीनस के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट ठीक है ईथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उसके बाद नेक्स्ट ईस्ट आ गया ईस्ट के बाद नीचे आप आए ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ इस इसी तरह टोटल आपकी ये सिक्सटीन डायरेक्शन हो गए ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज सेवेंटी फोर अच्छा अब अगर देखें बेटा अगर आपने बिलफर्ज़ अपनी डायरेक्शन मालूम करनी है कि आप जो है वो किस डायरेक्शन पे यहाँ कहीं पे किसी जगह पे जाकर अगर आपने ये मालूम करना है कि आपका ईस्ट किस साइड पे है वेस्ट कहाँ है नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है तो उसके लिए सिंपली ये होगा कि बेटे स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन ठीक है राइजिंग सन जो है जो सूरज जो है उसके सामने आपने खड़े हो जाना है उसके बाद अपने स्ट्रेच योर आर्म्स आपने अपने ज़रा हाथ दोनों हाथ फैला देने जो आपका फेस की जो आपका सूरज की तरफ सनराइज की तरफ जो आपका फेस होगा दैट इज ईस्ट ठीक है ईस्ट और उसी के ऑपोजिट उसी के दूसरी साइड पे आपका ये कि आपकी बैक साइड पे क्या होगा आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी वेस्ट ठीक है और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन होगी नॉर्थ और आपकी राइट हैंड साइड पर डायरेक्शन होगी साउथ ठीक है इस तरह से आप कहीं पर भी आसानी से अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो है वो राइजिंग सन से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान ठीक है यानी कि पाकिस्तान की जो है कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसके लिए देखें आप मैप ही यूज़ करेंगे और मैप इसमें ज़ाहिरबत है पाकिस्तान की आप डायरेक्शन ही देखेंगे ना पाकिस्तान की ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद इंडिया इन ईस्ट ठीक है पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे जो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है वहाँ पर ईस्ट साइड पे जो कंट्री दैट इज़ अब इंडिया ठीक है अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईरान इन द वेस्ट एंड चाइना इज सिचुएटेड एट द बॉड एट द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ इज द अरेबियन सी और अरेबियन सी आपके साउथ पे नेक्स्ट है. है आपका स्केल स्केल इज अ रेशो बिटवीन द ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस स्केल जो है वो जो आपकी ग्राउंड uh, डिस्टी जो आपकी एक्चुअल जो आपके किसी भी एरिया का जो डिस्टेंस है ना वो उसको जब आप मैप डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हो ना वो आपका उनके दरम्यान जो रेशो है वो आपका स्केल है ठीक है उसको आप स्केल में लिखते हो बिलफर्ज जैसे अगर आपने कराची और लाहौर का डिस्टेंस है वो तो बहुत ज़्यादा होगा जैसे बिलफर्ज अगर मैं कहती हूँ कि फिफ्टी किलोमीटर है तो जब आप उसको मैप डिस्टेंस में करेंगे तो उनको बिल्कुल ही उसके डिस्टेंस को बिल्कुल ही स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो स्केल जो है वो आपका एक्चुअल जो, जो डिस्टेंस है और जो मैप में जो आपने शो करना है उनके दरमियान मेरे शो है तो आपका स्केल हो गया नेक्स्ट है लेजेंड और की अब मैप में जो मौजूद की या लेजेंड है वो क्या एक्सप्लेन करता है इट इट्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ ऑल द सिंबल कलर्स एंड साइंस आपके जितने भी मैप में जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं जो साइन यूज़ हो रहे हैं वो सब के सब आपको इस की पॉइंट्स में शो कर दिए जाते हैं जिससे आप आसानी से मालूम कर सकते हैं द आउटलाइन और फ्रेम सराउंडिंग द मैप इज कॉल्ड बॉर्डर ये तो ये फिर आपका जो पूरा आपकी जो आउटलाइन है जो वो आपका बॉर्डर कहलाता है मैप का देखिए जैसा कि नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी फाइव पे ये आपको पूरा एक मैप दिखाया गया जिसकी फर्स्ट जो आपकी बाउंड्री है ठीक है जो आपका बॉर्डर है वो रेड कलर से है ठीक है तो ये आपका बॉर्डर हो गया ठीक है नेक्स्ट आपका जैसे इस मै इस मैप का टाइटल क्या है वो पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ इन, है इसके बारे में ये पूरा मैप है फिर उसके बाद ये जो पूरा बॉक्स है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं दैट इज़ की और इसमें ये डिफरेंट जो सिम्बल यूज़ हुए हैं ये सिम्बल्स हैं जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये डिफरेंट पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब की डिटेल इसमें दिखाई गई है ठीक है जैसे आप ग्लास का लिखा हुआ ग्लास के लिए अभी इन्होंने रेड कलर का सिंबल यूज़ किया हुआ अब मैप में जहाँ जहाँ रेड कलर का होगा इट मीनस कि वहाँ वहाँ ग्लास की इंडस्ट्री मौजूद है ठीक है वहाँ वहाँ सीमेंट की इंडस्ट्री मौजूद है और नेक्स्ट ये देखिए नीचे ये जो स्केल लिया हुआ है ठीक है ये स्केल आपका यही है जो रेशो है आपका ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस ये आपको शो करना है बोल्ट बोल्स इन जोग्राफी स्टैंड फोर्ड जोग्राफी में जो है वो बॉल्स का क्या मतलब है बॉर्डर औरजेंड टाइटल स्केल बॉल्स आर द फीचर ऑफ़ मैप दे आर यूज इन मेकिंग मैप्स मैप यूज़ करने के लिए ज़्यादा आपको इन सब की ज़रूरत है बॉर्डर और टाइटल स्केल इन सब की द डिफरेंट फिजिकल फीचर ऑफ़ द अर्थ आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स ठीक है ये सब के सब आपके अर्थ के डिफरेंट फिजिकल फ़ीचर्स जो हैं वो लैंड है, फॉर्म्स कहलाती है pakistan is a beautiful collaboration of various landforms major landforms of pakistan are mountain, plains plateaus desert and valleys This is ki sab hai, landforms of pakistan okay moving on to next page number 76 page number 76 pe, page number 76 is showing landforms of pakistan is पाकिस्तान की लैंडफॉम्स शो हुई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको माउंटेंस मौ, दिखाई गए हैं है, प्लेट्यूज दिखाई गए हैं प्लेन्स हैं और डेजर्ट्स वगैरह इस पूरे मैप में शो किए गए हैं ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर सेवेंटी सेवन माउंटेंस माउंटेंस आर द रेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस की अर्थ की जमीन की जो बिल्कुल रेस्ट पार्ट ऊपरी हुई सतह होती है ना उसे आप माउंटेंस कहते हैं और पाकिस्तान में माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपकी कराक्रम है हिंदूकोश और हिमालिया हैं नेक्स्ट प्लेटूज प्लेटूज इज़ अ फ्लैट एरिया बिटवीन द माउंटेन्स ठीक है बिटवीन माउंटेंस के दरियान में जो आपका फ्लैट एरिया होता है दैट इज़ प्लेटूज ठीक है पाकिस्तान हैज़ टू प्लाटूज़ पोटोहार प्लेटू एंड बलोचिस्तान प्लेटू ठीक है दो किस्म के हैं आपके प्लेट्यूज और द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ख्योड़ा इज सिचुएटेड इन द पोटोहार ठीक है जो दुनिया की सबसे बड़ी आपकी जो नमक की कान है ख्योड़ा माइन है वो पाकिस्तान में ही है और पोटोहार प्लेट्यू में ही आती है ठीक है प्लेन्स प्लेन्स आर फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड अपर इंडस लोअर इंडस एंड इंडस डेल्टा आर द मेजर प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान ये प्लेन्स कहते हैं बेटे जो मैदानी इलाके होते हैं तो ये पाकिस्तान के जो है ये मैदानी इलाके ये डिफरेंट हैं डेजर्ट्स डेजर्ट इज़ अ हॉट ड्राई प्लेस विद लिटिल और नो रेनी कि डेजर्ट बिल्कुल ही बहुत गर्म जगह होती है जहाँ पे कोई बिल्कुल बारिश होती नहीं है अगर होती है तो बहुत कम होती है तो पाकिस्तान में जो है वो कि जो डेजर्ट हैं उनमें थल डेजर्ट और थर डेजर्ट है वैलीज इज़ अ लो एरिया बिटवीन हायर लैंड सच एज़ माउंटेंस ठीक है वैलीज जो है वो आपकी लो एरिया होता है जो आपके हाई बिटवीन हायर लैंड हायर लैंड सच एज माउंटेन ठीक है दे आर आर टू टाइप्स ऑफ वैलीज वी शेप वैलीज वी शेप वैलीज आर फॉर्म बाय द फ्लोइंग रिवर्स जो फ्लोइंग रिवर्स होते हैं उससे बनता है ये वी शेप वैलीज एंड यू शेप वैलीज यू शेप वैलीज आर फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स ठीक है ये जो ग्लेशियर जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं Uh, उनकी उनकी uh, उनकी वजह से जो है उनकी मोमेंट की वजह से आपकी यू शेप वैलीज बनती हैं ओके दिस इज नाओ दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट जोग्रफ़ी आई होप यू आल अंडरस्टूड इट वेल रीड द चैप्टर थॉरेली एंड मेमोराइज द मेन पॉइंट्स ठीक है बेटे थैंक्स फॉर वॉचिंग जजाक